देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे और मैं हूं दीपक मोर्य। तो आपका स्वागत करते हैं हमारे वीआईपी न्यूज़ टुडे चैनल में। तो साथियों, आज अग्निपथ स्कीम के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा की थी। योजना के तहत कहा गया था कि 3 महीने में युवाओं की भर्ती शुरू हो जाएगी। भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उन्हें 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका दिया जाएगा। अब इस पर हमारे भारत के युवाओं का क्या रिएक्शन आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तर भारत में युवाओं का विरोध बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के युवा भी अब अग्निपथ पर चल पड़े हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। इस योजना को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथियों, यहाँ युवाओं ने आगजनी और पत्थरबाजी की, छपरा और कैमूल में ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ की और कई डिब्बों में आगजनी भी की, आग लगा दी डिब्बों में। वहीं उनके इस विरोध को विपक्ष के साथ साथ उनकी पार्टी और सहयोगी दलों का साथ मिलने लगा है। युवाओं को इस चीज इस विपक्ष का साथ मिलने लगा है कि वो भी अग्निपथ जो स्कीम है उसका विरोध करने में उनका साथ मिलने लगा है। बीजेपी के वरुण गांधी के साथ साथ राहुल गांधी, ओवैसी, अमरिंदर सिंह ने भी इस योजना को लेकर सवाल खड़े किए। अब अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार हो, यह बात कहते हैं अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। सेना में कप्तान रहे अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह लंबे समय से मौजूद रेजिमेंट के विशिष्ट लोकाचार को कमजोर करेगा। जो ये अग्निपथ स्कीम आई है उसको कमजोर बताया जा रहा है कि यह पिछली जो भी स्कीम रही है उसको कमजोर करने का काम करेगा। साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया कि सरकार को भर्ती नीति में इस तरह के मौलिक बदलाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि इतने सालों से देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो साथियों, बीजेपी सरकार हर सेक्टर में देश के साथ धोखा कर रही है और साथ अब युवाओं को भी नहीं छोड़ा है। युवा पहले से ही बेरोजगार हैं और मैं देखता हूं मेरे गांव में या मेरे क्षेत्र में, मेरे आसपास जहां भी युवा, अगर कोई उनके पास कोई मौका नहीं है तो वो फौज में जाने का, सेना में जाने का बहुत बड़ा सपना लिए होते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं रोजाना युवाओं को रनिंग करते हुए, मेहनत करते हुए देखता हूँ, लेकिन उनके इस सपने को चूर चूर होते देख रहे हैं हम। और कई जगहों पर युवाओं ने आत्महत्या भी की है, इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है। तो आपकी क्या राय है इस चीज पे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरी तरफ जो युवा इस चीज का विरोध कर रहे हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी आप विरोध कर रहे हैं किसी भी स्कीम का तो संवैधानिक तरीके से करें, आगजनी ना करें, तोड़फोड़ ना करें। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे कितना भी टाइम लगा, अपना एक मजबूत पक्ष रखा, चाहे कितना टाइम लगा, संवैधानिक तरीके से उन लोगों ने विरोध किया। तो उस तरह से आप भी कर सकते हैं, संवैधानिक तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।